नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपके टैरेट का रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप की, आने वाला वीक सबके लिए कैसा रहेगा। कल हमने बनाई थी पार्ट वन, तो आज हम बना रहे हैं पार्ट टू। इसके लिए मैं बनाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में रेनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज है 3rd of July वेडनेसडे, और ये वीडियो अपलोड होगी 5th of July 2024 फ्राइडे को। 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक के प्रेडिक्शन है, और ये इंडिया की हॉरोस्कोप है। आज तक के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस और हमारी जो प्रेडिक्शन होती है लगन से होती है। लगन मींस फर्स्ट हाउस, अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। अपनी कुंडली खोलिए, बर्थ चार्ट खोलिए, देखिए यहाँ कौन सा नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर लिखा है तो कैंसर है, 1st लिखा है तो आप एरीज हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रेडिक्शन मैच कीजिए। मून साइन से हमारी प्रेडिक्शन नहीं होती। ये पॉइंट्स हमने कल पढ़ लिए थे, सारे डिस्कस कर लिए थे, तो सीधा हम लग्ना पे आते हैं। 7 नंबर लिब्रा तुला, शुक्र की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा दोस्तों? आप बात करते हैं तुला की, दोस्तों ये एक लगन ऐसा लगन है जो अभी तक ज्यादा इनफेक्टेड रहा है दोस्तों, अनफेक्टेड रहा है। इस पर इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं दोस्तों अब तक किसी भी चेंजेस का, पॉजिटिव का या नेगेटिव। इनफैक्ट दोस्तों पॉजिटिव हुआ, और दोस्तों ये वाला भी हफ्ता अगर हम बात करें लिब्रंस की बात करके देखें, काफी ज्यादा पॉजिटिव हफ्ता है। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हफ्ता है दोस्तों, बिकॉज इस हफ्ते दोस्तों आपका जो 10th हाउस है, यानी कि करियर हाउस है, आपका जो प्रोफेशनल हाउस है, आपका सत्ता वाला जो हाउस है दोस्तों, पावर वाला जो हाउस है, रेपुटेशन वाला जो हाउस है दोस्तों, नंबर चार जहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, मतलब नंबर 10 हाउस, नंबर 10 दोस्तों, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट होगा दोस्तों। मर्क्यूरी जो कि आपके चार्ट में भाग्य का स्वामी है, शुक्र जो कि आपके सेल्फ का लॉर्ड है, और तो सूर्य जो कि इनकम का लॉर्ड है, वो सब दोस्तों 10th हाउस में आके करियर हाउस को बहुत ज्यादा फ्लरिश कर देंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, ये वाला जो हफ्ता स्टार्ट होने वाला है 7 तारीख से, दोस्तों इस हफ्ते से हम लोग मान के चल सकते हैं आपके करियर में दोस्तों उछाल आएगा, काफी ज्यादा नए क्लाइंटल आपको मिलेंगे दोस्तों, नए प्रोजेक्ट्स आपके आदमी। अगर हम जॉब की बात करें, एक अच्छी खासी रेपुटेशन वाली जॉब, अच्छी खासी दोस्तों आपको चेयर मिल सकती है, मन मुताबिक आपको ब्रांच दोस्तों यहाँ पे मिल सकता है। कुल मिला के इट्स अ वेरी गुड चेंज, तो ये हफ्ता दोस्तों अच्छा रहने वाला है। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि 10th हाउस में दोस्तों आपके कहीं ना कहीं राहु का भी इम्पैक्ट होगा, जब सूर्य भी यहाँ पे नंबर 4 में आ जाएगा, तो हो सकता है दोस्तों आपकी रेलोकेशन हो जाए यहाँ पे, आपको थोड़ी सी मूवमेंट करनी पड़े। बट ओवरऑल हम लोग देख के चले टू गुड चेंज दोस्तों, जिसको हम लोग मिस नहीं कर सकते। उसमें मंगल का भी 12 तारीख का चेंज होगा, उसके दोस्तों हमने वीडियो बनानी है अभी, वो दोस्तों आपके 8th हाउस में होगा, उसका इम्पैक्ट अपने ही वेल्थ हाउस पर जाएगा दोस्तों, बहुत शानदार चेंज दोस्तों। मंगल आपके चार्ट में गेंस को भी डिनोट, गेंस पे इम्पैक्ट डालेगा, वेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा और सेल्फ पे इम्पैक्ट डालेगा, तो कुल मिला के 12 तारीख से दोस्तों चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी। और 7 तारीख को दोस्तों हमने बताया था कि शुक्र का चेंज है कर्क राशि में, ये दोस्तों 7 को शुक्र का चेंज, दोस्तों 5 को आपके सामने वीडियो, यानी कि संडे से, तो संडे से हम कह सकते हैं कि आपका ये जुलाई का जो मंथ है वो रॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो कुल मिला के हर लिहाज से दोस्तों काफी अच्छा हफ्ता रहने वाला, मतलब लिब्रा वालों के लिए डबल थम्स अप, बल्ले बल्ले कह सकते हैं हम लोग, कोई बेशक कह सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। स्टार्ट करते हैं 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक। तो स्कॉर्पियंस की बात करें दोस्तों, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे मंगल इन टॉरस, वेरी गुड फॉर स्कॉर्पियंस दोस्तों। अब क्या है स्कॉर्पियन के लिए दोस्तों, मंगल आपका बनता है सेल्फ का लॉर्ड, और दोस्तों यहाँ पे अब जो मूवमेंट होगी 12 जुलाई को दोस्तों मंगल की टॉरस के अंदर, वो अपने ही सेल्फ हाउस पे इम्पैक्ट डालेगा, तो साथ में आ गया आपका जुपिटर भी, यानी कि गुरु जो कि आपके चार्ट में दोस्तों आपके भाग्य का, आपके बच्चों का लॉर्ड बनता है, आपके एजुकेशन, आपके इंटेलेक्ट का लॉर्ड बनता है, आपके माइंड की एप्लीकेशन का लॉर्ड, आपके माइंड की पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, उसका सेल्फ के लॉर्ड के साथ आपके सेल्फ हाउस को देखना दोस्तों। आप मान के चलिए ये बहुत बड़ी खबर होगी, ये तो जो अभी तक आपका शनि का जो रेट्रोग्रेशन चल रहा है दोस्तों, आपके फोर्थ हाउस इतना अच्छा नहीं है, वो क्योंकि इमोशनली कह लिया फैमिली के लिए इतना अच्छा नहीं है, बट गुरु और मंगल का दोस्तों कंजंक्शन आपके कहीं ना कहीं आपके सेल्फ हाउस के अंदर बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, जिससे चंद्रमा को दोस्तों छोड़ते हैं, वो तो 2 दिन के लिए होगा दोस्तों, बुध और शुक्र वो आपके 9th हाउस में दोस्तों, बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन, और दोस्तों 15 तारीख को जब सूर्य भी यहाँ पे 9th हाउस में कंबाइन कर लेगा, तो चीजों को बहुत ज्यादा बेहतर, तो जून से दोस्तों लाख दर्जे बेहतर आपका जुलाई होने वाला है, और उसमें दोस्तों शुरुआत हम मान के चल सकते हैं कि शुक्र का चेंज है दोस्तों 7 तारीख को, आज हो गई 5, 2 दिन बाद यानी कि संडे को दोस्तों शुक्र का चेंज, चीजें बहुत ज्यादा सुंदर, और दोस्तों जिस दिन सूर्य भी यहाँ पे आ जाएगा 15 जुलाई को, जो हमारा अगला साप्ताहिक वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे, तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर दोस्तों। जो शनि का जो रेट्रोग्रेशन अब तक आपको परेशान करके चल रहा था, उसमें काफी हद तक आपको शांति मिलेगी, उसमें काफी हद तक आपको आराम मिलेगा।
चलिए 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक वालों के लिए भी डबल थम्स अप, बल्ले बल्ले, मतलब जून से ज्यादा बेटर है इनके लिए। चलिए अब हम आते हैं 9 नंबर सजिटेरियस धनु गुरु की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया और जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 9 नंबर सजिटेरियस धनु। जो सजिटेरियस धनु की बात करके देखेंगे हम लोग, तो इनको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अभी एक काइंड ऑफ दोस्तों वीक हफ्ता रहेगा ये वाला। दोस्तों रीजन क्या है कि नंबर 4 बनता है आपके चार्ट के अंदर, अगर हम लोग देखें दोस्तों आपके फिफ्थ हाउस के अंदर। दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप नोटिस करते हैं दोस्तों, देखिए 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये बनता है आपका 4 नंबर। यहाँ पे ये हो गया दोस्तों आपका, अगर हम लोग देखे जाए 4 नंबर 8th हाउस। और अब दोस्तों तकरीबन सारे के सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग मर्करी, इंक्लूडिंग वीनस और दोस्तों आयल टाइम पे सूर्य, दोस्तों वो भी आपके 8th हाउस में लैंड करेंगे, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दोस्तों नहीं होता। और दोस्तों साथ में सबसे बड़ी बात क्या होगी कि राहु का भी इम्पैक्ट यहाँ पे, दोस्तों राहु आपके 4th हाउस में, उसका भी इम्पैक्ट आपके 8th हाउस में रहते, और सभी के सभी दोस्तों प्लैनेट आपके 8th हाउस में रहते। इस हफ्ते आपको थोड़ा सा लो फील कराएंगे, थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे आपके लिए दोस्तों, कोई बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन दोस्तों नहीं हो सकता है वाला। और सो रही से कसर दोस्तों मंगल भी पूरी कर देगा, तो वो भी आपके 6th हाउस में चोट दे सकता है, आपका थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हफ्ता दोस्तों थोड़ा संभल के चलना, हम लोगों ने अपने इमोशनली हम लोगों ने ठीक ठाक करना, मेंटल स्ट्रेस को अपने पर हावी नहीं होने देना। दोस्तों अगर आप देखेंगे नेगेटिवली तो सूर्य भी यहाँ पे गर्म बैरिट, राहु का भी इम्पैक्ट है दोस्तों, यहाँ पे केतु का इम्पैक्ट, बीच में आगे दोस्तों आपका 7th हाउस, यानी कि दोस्तों मैरिज में यहाँ पे थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो जिनकी अपनी मैरिज में दोस्तों इश्यूज चल रहे हैं ऑलरेडी, मतलब डाइवोर्स तक के बाद चल रही है, जब हस्बैंड वाइफ के नहीं बनते उनको इश्यूज यहाँ पे बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस अगर आपके वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं पार्टनर के साथ, दोस्तों वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है कि अगर कि आपको पार्टनरशिप हम अपनी डिजॉल्व करनी पड़ सकती है। तो ये थोड़ा सा वीक टाइम है आपके लिए, इसको हमने संभल कर लिया, बिकॉज मर्करी भी दोस्तों यहाँ पे आगे 7th का लॉर्ड, जो कि आपके चार्ट में 7th मैरिज और करियर को डिनोट करता है, तो उसका शुक्र का दोस्तों यहाँ पे आना दोस्तों काइंड ऑफ एक इमोशनली सेटबैक देगा, फिजिकली सेटबैक। हाँ दोस्तों फाइनेंशियली कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, इमोशनल और फिजिकल डेंट आपको इस हफ्ते पड़ सकता है। चलिए मतलब 9 नंबर और सजिटेरियस धनु वालों को इमोशंस का अपना बहुत ध्यान रखना, बिल्कुल फिजिकली और इमोशनली जो दिक्कत होती है। बिल्कुल, वैसे आपने जुलाई में मंथ उनके लिए टफ बताया था, मतलब अगस्त से बेटर होगा, अगस्त से काफी बेटर है। चलिए जुलाई मंथ में हम अपना ध्यान रखिए बहुत, बाकी अगस्त से बेटर होगा। ये तो है जनरल, फिर भी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है, तो आप चाहें तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर शनि की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों मकर की बात करके देखें, दोस्तों बल्ले बल्ले हो गई यहाँ पे दोस्तों। अब क्या है मकर के अंदर जितने भी दोस्तों प्लैनेट्स हैं आपके हिसाब से आपके 7th केंद्र में आना शुरू कर देंगे। तो शुक्र बहुत पॉजिटिव होता है आपके चार्ट में, करियर का लॉर्ड बनता है दोस्तों, भाग्य का लॉर्ड बनता है, लव और उससे हो गया मैरिज, उससे लव मैरिज के यहाँ पे चांस बनते हैं दोस्तों। आपकी और आपकी वाइफ, हो सकता है आपकी शादी के यहाँ पे चांसेस बनते हो, तो आपकी जो गर्लफ्रेंड हो, जो आपके जिनसे अफेयर रिलेशनशिप हो, जिनसे आपकी शादी हो, वो आपके ही प्रोफेशन में, आपके ब्रांच में, आपके ऑफिस में, तो दोस्तों सेम प्रोफेशन में शादी होने के चांसेस बनते हैं दोस्तों। मर्करी भी यहाँ पे आ गया, अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों मर्करी देखिए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोस्तों मर्करी भी हो गया 9 और दोस्तों शुक्र हो गया भाग्य, मर्करी हो गया महाभाग्य, दोस्तों दोनों आ गए आपके केंद्र में, सेल्फ इम्पैक्ट गया दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है, जो आपको भाग्य का भी साथ मिलता है, लव लाइफ का भी साथ मिलता है, आपके लवर का भी साथ मिलता है, आपके लिविंग का भी सपोर्ट मिलती है। एजुकेशन की बात 5th हाउस दोस्तों एजुकेशन, 9th हाउस हायर एजुकेशन, तो जो हायर एजुकेशन जाना चाहते हैं, एजुकेशन में दोस्तों जो अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा टाइम, एंटी डिप्रेशन काइंड ऑफ अ टाइम दोस्तों। और दोस्तों मंगल की अब जो प्लेसमेंट होगी आपके 5th हाउस में होगी, जो कि केंद्र का लॉर्ड है, यानी कि जमीन का लॉर्ड दोस्तों, जमीन से मुनाफे का लॉर्ड, यानी कि यहाँ पे दोस्तों रियल एस्टेट वालों को बहुत फायदा, और जिनको दोस्तों जमीन का काम है रियल एस्टेट के अंदर है, बिल्डर है, खेती बाड़ी है, जो दोस्तों जमीन से प्रोडक्ट बना के चलते हैं, या डेयरी फार्मिंग का, फार्मिंग का काम है दोस्तों, नेचुरल फार्मिंग काम है, इस तरह काम है दोस्तों जिनके, उनको भी यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा। दोस्तों जिनकी गौशाला है, एनजीओ है दोस्तों जिनका, उनको भी दोस्तों यहाँ पे काफी सारी फंडिंग हो सकती है, काफी डोनेशन यहाँ पे मिल सकती है। दोस्तों कैप्रिकॉर्न्स के लिए बहुत बड़ा टाइम, हालांकि दोस्तों आपका जो लॉर्ड है शनि वो रेट्रोग्रेड मोशन में, आपका अपना ही लॉर्ड है तो आपको नुकसान नहीं करेगा, तो ओवरऑल दोस्तों ये वाला हफ्ता काफी ज्यादा रॉकिंग रह सकता है। हाँ शनि का रेट्रोग्रेशन क्योंकि सेल्फ का लॉर्ड आपका, वो चीजों को स्लो कर सकता है थोड़ा सा, बिकॉज बीइंग इन रेट्रोग्रेड मोशन शनि स्लो प्लैनेट है दोस्तों, थोड़ी स्लोनेस लेकर आ सकता है, बट
ये जो कॉम्बिनेशन दोस्तों लगता है उस शनि के नेगेटिविटी को कट डाउन करके आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देखा जाएगा। तो ऑल इन ऑल दोस्तों रॉकिंग हफ्ता। दोस्तों अगर हम बात करें तुला तो उसके बाद दोस्तों कैप्रिकॉन एक ऐसा लग्न बनता है जिनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर का भी हो गया, अब हम आते हैं 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ। मतलब आपने जितना इनके लिए बेनिफिशियल बताया एक्वेरियस के लिए भी ऐसा रहेगा नेक्स्ट वीक। दोस्तों अब ये भी देखिए शनि की अपनी राशि है बट दोस्तों फर्क है दोनों के अंदर। दोस्तों यहाँ पे शनि सेकंड हाउस में वेल्थ वाले हाउस में, यहाँ पे शनि है सेल्फ वाले हाउस में। तो ऑफ कोर्स दोस्तों अगर सेल्फ वाले हाउस में शनि होगा तो चीजों को स्लो करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए नुकसान नहीं करेगा, बिकॉज अपने ही प्लेनेट है, मूल त्रिकोण राशि है दोस्तों, नुकसान नहीं करता बट कहीं ना कहीं दोस्तों चीजों को स्लो करेगा, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस बढ़ाता है। और दोस्तों बाकी सब चीजें अगर आप देखेंगे दोस्तों शुक्र कैंसर हो गया दोस्तों आपके सिक्स हाउस के अंदर नेगेटिव हाउस, दोस्तों आपका सूर्य हो गया सिक्स हाउस नेगेटिव हाउस। तो ये जो दोस्तों कॉम्बिनेशन है ये कोई ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनता गर्ल्स के लिए। दोस्तों पीरियड्स के इश्यूज की बात करें या दोस्तों हम अगर गॉल ब्लैडर की बात करके, जेंट्स की बात करें, यूरिन के इश्यूज की बात करें, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करके देखें, कंसीवमेंट वाली जो लेडीज है, प्रेग्नेंट जो लेडीज है उनको यहाँ पे थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम हो सकता है। बट बिकॉज दोस्तों बाकी सभी चीजें फिलहाल ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें मंगल की बात करके देखें दोस्तों, मंगल आपके यहाँ पे लैंड करेगा आपके फोर्थ हाउस के अंदर और इसका इम्पैक्ट भी आपके एट्थ हाउस के ऊपर और टेंथ हाउस में, यहाँ पे दोस्तों आठ नंबर राशि है करियर पे, यानी करियर में दोस्तों उछाल मिल सकता है यहाँ पे। दोस्तों खासकर उन सभी लोगों को जो आर्मी में है, न्यूज के अंदर है दोस्तों, पुलिस फोर्स के अंदर है, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सेक्रेटरी बनना चाह रहे हैं या उस तरह की दोस्तों चीजें, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, केमिस्ट की शॉप खोलना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट दोस्तों जो हेल्थ होती है हमारी खासकर नीचे का जो लोअर स्टमक होता है दोस्तों उसमें हमें फोकस करके चल रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ दोस्तों मिक्स काइंड ऑफ अ टाइम। करियर में दोस्तों ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आती गर्ल्स के, दोस्तों टाइम थोड़ा सा एज कम्पेयर टू बॉयज या मैन उनको थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहना है, बिकॉज उनका जितना भी हार्मोनल इम्बेलेंस है वो यहीं पर नजर आता है, गाइड इश्यूज नजर आते हैं। बट अदर देन दैट दोस्तों चीजें हमारी फिलहाल अभी कंट्रोल में ही है। चलिए 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ का भी होगा, मतलब इनके लिए ज्यादा नेगेटिव नहीं है क्योंकि सेल्फ बस चीजें स्लो करेगा, चीजें स्लो करेगा बिकॉज शनि अपने साइड में नुकसान नहीं करने देगा कभी भी, मतलब पेशेंस रखिए बस चीजें स्लो करेगा और कुछ नहीं होगा। 12 नंबर पाइसिस में गुरु की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? जैसे इनके लिए आपने नेगेटिव बताया इनके लिए भी ऐसा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से और हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। ये तो है जनरल, अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आज का आखिरी लगना 12 नंबर पाइसिस मीन गुरु की दूसरी राशि। दोस्तों पाइसिस मीन की बात करके देखें दोस्तों, इनके लिए टाइम अच्छा चल रहा है दोस्तों, इस हफ्ते से टाइम और अच्छा होगा बिकॉज नंबर चार राशि दोस्तों आपके पांच के घर बनते हैं त्रिकोण के अंदर, तो सभी मेजर प्लेनेट आपके त्रिकोण में आके पॉजिटिविटी को दोस्तों बढ़ाते हैं, भाग्य को बढ़ाएंगे। दोस्तों शुक्र बुध सूर्य चली गए जो दोस्तों बन जाएंगे इस हफ्ते के एंड के अंदर, तो दोस्तों भाग्य एजुकेशन इनका इम्पैक्ट दोस्तों क्या आपके 11th हाउस पे इनकम, दोस्तों तीन तीन ग्रह आपके इनकम हाउस पे डालेंगे तो दोस्तों इनकम के सोर्सेज बढ़ जाते हैं। कई बार क्या दोस्तों शेयर मार्केट से इनकम आ गई, म्यूचुअल फंड से इनकम आ गई, एफडी आपकी मैच्योर हो गई, इंश्योरेंस आपका मैच्योर हो गया, पैसा आ गया, तो कई बार इनकम के सोर्सेज दोस्तों बढ़ जाते हैं जो आपके पास दोस्तों दो तीन इनकम हो रहा है आपकी, कमीशन इनकम, रेंटल इनकम दोस्तों जो ब्याज पे आप लोग कई दोस्तों क्या करते हैं गोल्ड देकर उसको पैसा ले लेते हैं, मतलब पैसा देते हैं दोस्तों गोल्ड रखकर कोलैटरल के तौर पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दोस्तों करते हैं, तो वो उन सबको दोस्तों आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों बस इतना हमें ध्यान में रखकर चलना कि सूर्य का भी यहाँ पे आना, दोस्तों सूर्य आपके चार्ट में सिक्स का लॉर्ड है तो अपने से ट्वेल्थ आगे पैसों को नुकसान तो नहीं करेगा बट अपने साथ दोस्तों गर्मी लेकर आ जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों ऐसे में फूड पॉइजनिंग के चांसेस बन जाते हैं बहुत ज्यादा, उसका अगर हम लोग ध्यान में रखें तो कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों अब दूसरी बात 12 तारीख को दोस्तों मंगल भी आपके थर्ड हाउस में आके आपको सेल्फ की पावर को बढ़ाएगा और आपके नाइन्थ हाउस दोस्तों जहाँ पे मंगल की अपनी राशि है भाग्य को बढ़ाएगा, पिता का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद और टेंथ हाउस पर डाल के दोस्तों आपके ट्रैवलिंग वाली जॉब को बढ़ाएगा और कहने के आपके जॉब के अंदर आपकी पोजीशनिंग को बढ़ाएगा। तो कुल मिला के इन टर्म्स ऑफ लक, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, लक, फादर के ब्लेसिंग, प्रीवियस बर्थ से कर्मा और आपका करियर दोस्तों, इन सब के अंदर बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इस थर्ड हाउस के मंगल का इंपैक्ट आपके सिक्स हाउस पे होगा, तो सिक्स हाउस हो गया आपके राइवल्स का, उनको शांत करेगा, सिक्स हाउस हो गया दोस्तों कंपटीशन का, कंपटीशन में आपको सक्सेस दिलवा के चलेगा। दोस्तों अगेन जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीए की तैयारी कर रहे हैं या दोस्तों बेसिकली आपकी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके दोस्तों काफी अच्छा टाइम, और जो दोस्तों उसमें जाना चाहते हैं आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स पायलट बनना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा टाइम। और दोस्तों आखिर में शनि आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड है, आपके नेगेटिव खर्चों को कंट्रोल करके चलेगा और आपका विपरीत राज योग देता हुआ चले जा रहा है, तो मीन वालों के लिए दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा टाइम। चलिए मतलब मीन वालों के लिए अच्छा है,
काफी अच्छा हफ्ता रहेगा। जैसे सजिटेरियस के लिए नेगेटिव है, इनके लिए नहीं, इनके लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। 12 लग्नों की बातें कर ली हमने, वीकली हॉरोस्कोप कैसा रहेगा आज। अब क्या है, फ्राइडे सैटरडे की कौन सी अपलोड है हमारी? सैटरडे की हमारी, रुको अभी ध्यान में नहीं आ रही, शायद हमारी उनकी है, एकनाथ शिंदे जी की वीडियो है, हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें, हम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट शेड्यूल है दोस्तों हमारी वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद, जय भारत।